हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्हाट इज स्टडी। एंड इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी EMFT, इसके बारे में डिस्कस करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं थोड़ी बहुत, जैसे कि स्केलर और वेक्टर क्या होते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम और उसके टाइप्स, और आगे जैसे कि कार्टेशियन एंड सिलेंड्रिकल प्लेन एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये सब पढ़ेंगे आगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक चीज़ें इसके बारे में। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती हैं? ये एक फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, वेक्टर एंड स्केलर, ये दोनों। तो सबसे पहले हम स्केलर जान लेते हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती है, नो डायरेक्शन, है ना, उन्हीं को कहते हैं हम स्केलर क्वांटिटीज़। और इन्हें हम ए से या फिर मॉड ऑफ ए वेक्टर से डिनोट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड मतलब नंबर, 5, 4, ये सब नंबर, कोई डायरेक्शन नहीं होती है, उन्हीं को हम स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। एग्जांपल के लिए ले लें टेम्परेचर। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, उसके पास थर्मामीटर होता है, और जब आप उससे चेक करते हैं तो आपका आता होगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे ज़्यादा। तो ये सिर्फ एक मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है, टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 97 डिग्री फॉरेनहाइट, ये एक टेम्परेचर हुआ। इसमें कोई टेम्परेचर में, यानी कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड में कोई डायरेक्शन शो करने की ज़रूरत नहीं पड़ी हमको, सिर्फ हमने न्यूमेरिकल वैल्यू देखी, यानी मैग्नीट्यूड देखा, कोई डायरेक्शन नहीं। स्पीड आपने अपने बाइक में स्पीडोमीटर लगा हुआ देखा होगा, जब आप चलाते हैं 40 की स्पीड से या फिर 35 की स्पीड से या फिर 30 किलोमीटर पर आवर, इस तरह से आप चलाते हैं, तो उसमें कोई डायरेक्शन शो नहीं करता है, सिर्फ डिफ्लेक्शन तो करता है कि हम 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, है ना। तो ये हो गया स्केलर। स्केलर के बारे में हम लोगों ने जान लिया कि स्केलर क्या होते हैं, जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है वही स्केलर होते हैं, ठीक है। 5 किलो चीनी, सिर्फ ये 5 किलो स्केलर क्वांटिटीज़ है, उसमें कोई डायरेक्शन तो करने की ज़रूरत हमको नहीं पड़ी। फिर इसके बाद हम आते हैं वेक्टर में। वेक्टर क्या होते हैं? वेक्टर का मतलब होता है जिसमें मैग्नीट्यूड तो हो, उसके साथ साथ डायरेक्शन भी हो, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या हो, डायरेक्शन भी हो। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए दो, इसको डिनोट करते हैं हम ए वेक्टर से। अगर हम कहें कि मुझे जाना है 5, एक एग्जांपल ले लेते हैं एरोप्लेन का। एरोप्लेन से अगर हमें इंडिया से लंदन जाना है, इंडिया से लंदन जाने के लिए हमको क्या होगा, इंडिया से लंदन जाने के लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? पहले तो कितनी दूर है लंदन, अब ऐसे थोड़ा ना कि तुक्का लगा लिया चले गए, पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच गए हम लोग, घूमना था लंदन, घूमा है पूरी दुनिया, तो दुनिया नहीं घूमनी है हमें, सिर्फ लंदन घूमना है। तो वहाँ जाने के लिए हमें वहाँ इंडिया से लंदन कितनी दूर है वो मालूम होना चाहिए, ठीक, यानी डिस्टेंस। और क्या मालूम होनी चाहिए, डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में है इंडिया, इंडिया ये है तो लंदन किस डायरेक्शन में है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, कहाँ है लंदन, तो हमें इसके लिए एक डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी लंदन जाने के लिए, यानी कि हमें वेक्टर क्वांटिटी का यूज़ करना पड़ा। एरोप्लेन से किसी एक जगह से किसी दूसरी जगह जाने के लिए, तो यहाँ पे जो एरोप्लेन का, इसी में हम वेक्टर का यूज़ करते हैं कहीं जाने के लिए, ऐसे ही नहीं कि हमने उड़ा दिया बस चले गए इधर उधर, ठीक है ना। तो होपफुली आप लोग समझ गए होंगे कि स्केलर और वेक्टर क्या होते हैं। स्केलर वो होते हैं जो, जिनमें मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती है, वही स्केलर होते हैं। और वेक्टर, मैग्नीट्यूड तो होता है 5
मैग्नीट्यूड 5 किलोमीटर पर आवर, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ईस्ट डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है वो, है ना। तो ये हो गया वेक्टर और स्केलर के बारे में। अब हम जानते हैं कि यूनिट वेक्टर क्या होते हैं। तो यूनिट वेक्टर के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या होते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई प्लेन है, ये एक्स प्लेन है, ये जेड प्लेन है और ये वाई प्लेन है, ठीक है। इस प्लेन में हमने ये प्लेन बनाया एक्स वाई एंड जेड। हम जानते हैं कि एक्स प्लेन में यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, वाई प्लेन में जे कैप, जेड प्लेन में के कैप। ये आई कैप, जे कैप एंड के कैप, इन्हीं को ही हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। आई कैप यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, के कैप यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। यानी कि यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है कि यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को शो करते हैं कि किस डायरेक्शन में है। अभी मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि लिखा हुआ है कि जैसे कि एग्जांपल के लिए लिखा हुआ है 5i कैप + 2j कैप + 3k कैप, ये लिखा हुआ है ना। कोई वेक्टर हमको दिया गया है और ये लिखा हुआ है, ठीक। अब हम कैसे फाइंड करेंगे। हमने प्लेन बनाया, ये एक्स माना, ये वाई माना, कोई भी आप मान सकते हैं, एक्स वाई जेड परपेंडिकुलर होते हैं तीनों एक दूसरे के, तो पता नहीं चलना। तो हमने यहाँ पर देखते हैं सिंपल सा, 5i कैप, आई कैप क्या हमने पढ़ा, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। जो आई कैप है यूनिट वेक्टर होता है एक्स एक्सिस के अलोंग। तो यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, जो डायरेक्शन शो करते हैं, यानी कि आई कैप एक्स एक्सिस के अलोंग होता है। तो 5 यहाँ, 2 जे कैप, जे कैप का मतलब वाई एक्सिस में 2 चला, 3 के कैप, 3 के कैप का मतलब जेड एक्सिस में 3 चला, है ना। तो ये हो जाता है हमारा यूनिट वेक्टर। और अगर हम आगे बात करते हैं तो यूनिट वेक्टर को हम, जैसे कि ए कैप हमने माना कोई यूनिट वेक्टर है, इसको समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं वेक्टर के बारे में। हमने पढ़ा था वेक्टर, अभी हमने डिस्कस किया वेक्टर। वेक्टर यानी कि कोई हमने मान लिया ए वेक्टर। वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ए, या इसे कह सकते हैं मॉड ऑफ ए वेक्टर, एंड उसका डायरेक्शन। डायरेक्शन अभी हमने बताया, यूनिट वेक्टर को ही हम डायरेक्शन से शो करते ना, डायरेक्शन शो करता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का यूज़ क्या होता है, डायरेक्शन को शो करना। तो ये क्या हो गया हमारा, ये एक वेक्टर हो गया। और अगर हम बात करें यूनिट वेक्टर की, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ ए वेक्टर। इसको नीचे ले आए, सिंपल सा है कि नहीं, इसको नीचे ले आए, ये बन गया हमारा यूनिट वेक्टर। इसी को कहते हैं हम यूनिट वेक्टर। तो ये था यूनिट वेक्टर के बारे में। अब आगे हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे पोजीशन वेक्टर क्या होता है, और आइडेंटिकल वेक्टर और बेस वेक्टर के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे अगले नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहीं पर ये लेक्चर समाप्त करते हैं। थैंक यू।